हेलो, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटी सेव पूरी बनाने की रेसिपी, जो मुंबई का एक फेमस स्ट्रीट फूड है। तो चलिए देखते हैं ये चटपटी सेव पूरी कैसे बनाई जाती है। आज मैंने 500 ग्राम आलू लिया है और बॉईल करके मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो मैंने यहाँ हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। आप आपके टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून हमें लेमन का जूस ऐड करना है, और लेमन का जूस आप जब सेव पूरी रेडी हो जाए इसके बाद भी ऐड कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो एक प्लेट में लेते हैं थोड़ी सी पपड़ी, और ये पपड़ी भी मैंने घर पे बनाई है और रेसिपी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, और इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और अब हमने जो आलू का मसाला रेडी किया था इसमें से थोड़ा थोड़ा मसाला हमें लेना है, और हर एक पपड़ी पे थोड़ा थोड़ा मसाला रख लेना है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है तो जब भी हम ये मसाला बनाएं इसमें आप थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें 3 अलग अलग प्रकार की चटनियाँ स्प्रेड करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी थोड़ी स्पाइसी होती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी ही स्प्रेड कर रही हूँ, पर आप आपके टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। और इसके बाद हम स्प्रेड करेंगे हरे धनिया की चटनी। ये जो हरे धनिया की चटनी है हमें थोड़ी सी थिक बनानी है, जो ज़्यादा पतली होगी तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, तो इसी तरह हमें थोड़ी सी थिक चटनी ही रखनी है। ये तीनों चटनी मैंने घर पे ही बनाई है, और इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। और अब थोड़ी सी मीठी चटनी स्प्रेड कर लेते हैं। अब बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेते हैं। आज मैं कच्चे आम का भी यूज़ करने वाली हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आज मैंने जो तोतापुरी आम आते हैं उसका यूज़ किया है। ये इसी तरह थोड़ा सा पीला होता है, साथ में थोड़ा सा मीठा भी, यानी कि खट्टा मीठा आम ऐड करने से हमारी सेव पूरी ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनेगी। और अब लेते हैं सेव। ये बिल्कुल बारीक वाली सेव मैंने ली है, और मार्केट में ये सेव बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आप ये सेव घर पे बनाना चाहते हो तो मशीन में जो सबसे बारीक होल वाली जाली आती है इसका यूज़ करके आप ये सेव बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया स्प्रेड करेंगे। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो इसके साथ आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और अगर आप आलू के मसाले में नींबू का जूस ऐड करना नहीं चाहते हो तो ये समय पे भी आप नींबू का जूस ऐड कर सकते हो। ये मीठी चटनी बहुत ही चटपटी होती है, तो थोड़ी सी और स्प्रेड कर लेते हैं। और अब लास्ट में स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला स्प्रेड करने से हमारी सेव पूरी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनेगी। ये भी मैंने घर पे ही बनाया है, और इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। थोड़ी सी और सेव मिलाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दो सूखी पपड़ी के साथ सेव पूरी सर्व करेंगे। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और आपके एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।